बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब बहन भाई और दोस्त खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं नदीम फूड्स। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त पोटैटो चीज़ ऑमलेट की रेसिपी लेकर आया हूँ। ये बहुत ही मज़े की बनती है और बच्चे और बड़े बहुत शौक से खाएंगे। तो ये देखें कितने ज़बरदस्त रेसिपी है और कितनी मज़े की। मैं आपको इसको काट कर दिखाता हूँ। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत मज़े की बनती है। आप इसे सुबह नाश्ते के टाइम भी खा सकते हैं और शाम को चाय के साथ भी। तो चलें इस रेसिपी को शुरू करते हैं। जो बहन भाई और दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं, उनसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक करें। चलें शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेकर इस रेसिपी को बनाना। यहाँ पर मैंने एक पोटैटो ले रही है बड़े साइज़ का। इसके हम छिलके उतार लेते हैं पहले। पोटैटो को मैंने छिलके उतार लिए हैं। इसको हम इस तरह, ना ही हमने इसको इतना मोटा काट रहे हैं ना ही बारीक, इस तरह के स्लाइसेस बना लेते हैं। इस तरह हम इसके स्लाइसेस बना लेते हैं। पोटैटो को मैंने स्लाइसेस बना लिए हैं इस तरह से। यहाँ पर मैंने दो दो एग ले लिए हैं, इनको तोड़ लेते हैं। अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पर नमक शामिल करने लगूँ, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। थोड़ी सी ब्लैक पेपर, काली मिर्च, इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया। पैन को मैंने गरम कर लिया। यहाँ पर स्लाइसेस रखते हैं आलू के। यहाँ पर हमने हल्की आंच पर इन्हें पकाना है। पोटैटो पर सॉफ्ट हो गए, इसके ऊपर हम एग को शामिल करते हैं आराम के साथ। जहाँ पर मैं चीज़ शामिल करने लगा हूँ, पिज़्ज़ा चीज़, इसको मैंने कद्दूकश कर लिया। ये रेसिपी आप बच्चों को बना कर दें, बहुत शौक से खाएंगे। ये ब्रेकफास्ट की रेसिपी है। यहाँ पर धनिया के पत्ते शामिल करते हैं। इसको थोड़ी देर के लिए कवर करते हैं। तो माशाल्लाह हमारी रेसिपी तैयार हो गई है। चलें आपको फाइनल लुक दिखाते हैं। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी रेसिपी तैयार हो गई है। उम्मीद करता हूँ ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। ये रेसिपी आपको कैसी लगी है? अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो अच्छा सा आपने कमेंट करना है। दो में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।